उसका क्या था, उसका डेली का, सुबह का काम था, वो इधर से चलता था और दूसरी तरफ से आता था, उधर से फिर पैसेंजर को इधर लाके छोड़ता था, ऐसे ही करेंगे, उसका यही काम था। तो एक दिन उसी गाड़ी में एक अच्छा खासा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे बैठा उसके नाव में, और आके कहने लगा कि भाई मुझे उधर पार करा दे। बोला जी अभी रुक जाओ जरा, मैं दो चार पैसेंजर तक पूरे हो जाए ताकि वो मेरी दिहाड़ी बन जाए। कह कोई बात नहीं, मैं अकेला ही सारे पैसे दे दूंगा और मुझे जो है पार करा दे। लेकिन उसने इतने में उसने देखा कि जो उसके दो चप्पू थे नाव चलाने के, उसमें से एक के ऊपर तो लिखा था विश्वास और एक के ऊपर लिखा था मेहनत। तो उसने उससे कहा कि भाई ये क्या है, ये ऐसा करके क्यों लिखा हुआ है? बोलना जी है कि विश्वास और मेहनत दोनों चीजें अगर इकट्ठी होंगी तो ही हमें जो है कामयाबी मिलेगी, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बोलना जी ने इसको जो है सिद्ध करके दिखा। तो उसने क्या किया, उसने पहले मेहनत वाला चप्पू उठाया और उसको पानी में चलाने लगा। तो अब नाव कहाँ जाना है, जानी थी आगे, तो नाव जो वहीं खड़ी रही और वो घूमती रही। फिर उसने मेहनत वाला चप्पू रखा साइड में, फिर विश्वास वाला चप्पू उठाया, उसको चलाने लगा, तो फिर नाव दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड घूमने लगी। फिर उसने कहा कि देखो जब मैं दोनों चप्पू इकट्ठे चलाऊंगा तब मेरी नाव जो ना बिल्कुल सही दिशा में जाएगी जहां से जानी। तो क्या कि कई बार ये होता है कि हम मेहनत तो करते हैं किसी चीज में, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता या आधा पूरा विश्वास होता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो उस वो मेहनत की कराई सारी सारी बेकार हो जाती है और वो हमें कामयाबी नहीं मिल पाती जो कि हमें मिलनी चाहिए। या कई बार ये होता है कि हम विश्वास बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि ठीक है जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारी मेहनत में कमी रह जाती है। तो मेरे कहना था कि ये दोनों चप्पू जो है ना बराबर चलेंगे तो हमें जाना ज्यादा अच्छी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी, थैंक बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, यू। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे जी प्रदेश जी के लिए। और देखिए गाड़ी चलाते चलाते इन्होंने बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। सच में देखिए वो कहते हैं ना 100% कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब 100 लोग मिल जाते हैं वो एक एक परसेंट भी होते हैं ना, तो वो हजारों गुना भी परफेक्ट हो सकते हैं जी। चलिए, और कोई व्यक्ति बताना चाहे पावर ऑफ सबमिशन के बारे में, समर्पण के बारे में? ठीक है, चलिए जब तक कोई हैंड रेज करे मैं भी एक बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी बताया राशिद सर ने, तो ये नोट कर लीजिए ठीक है, ये क्योंकि तो जब आपका दोबारा से नंबर आएगा तो मैं चाहूंगा कि इसमें और ज्यादा हैंड रेज हो। ठीक है, सबसे पहला जो समर्पण बताया राशिद जी ने कि गॉड के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, यानी कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसके प्रति समर्पित रहे। और बहुत कुछ इस बारे में बात हुई थी 3 4 दिन पहले। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो कंपनी है उसके प्रति हमें समर्पित रहना है, क्योंकि तो ये मान लीजिए कि वो इतना कुछ हमारे बारे में सोचते हैं कि आज भी ये समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है, तो पता चला विदेश चले गए या बहुत कुछ वो करते हैं हमारे बारे में, हमारा जो मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ग्रोथ सिस्टम, सिद्धार्थ सर ये मान लीजिए कि वो बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं टीम को आगे बढ़ाने के लिए और नई नई ट्रेनिंग्स तैयार कर रहे हैं जिससे कि एक नया व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ में ग्रो करे। तो हमारा जो सिस्टम है ग्रोथ सिस्टम, उसके प्रति समर्पित रहना है। अपलाइन के प्रति, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है ये मान लीजिए कि वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, और वो 100% आपकी सफलता के लिए सोच रहा है। अगर वो कोई बात बोल रहा है या कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, वो इवन आपको जो है ना कुछ गलत शब्द भी अगर बोल रहा है, तो आप ये मान चलिए कि शायद वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है। आप मुझे बताइए कि जब आपका बच्चा मान लीजिए पढ़ता नहीं है, ठीक है, अब आप उसे कुछ गलत शब्द भी कहोगे, शायद मारोगे भी, ठीक है, अल्टीमेटली मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, क्या आप उसके साथ गलत कर रहे हैं? उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए तो वो एक्टिविटी आपने की ना, जो कुछ भी कर रहे हो। तो सेम इसी तरीके से अगर अपलाइन अगर कोई बात कह रहा है, वो आपको हो सकता है उस टाइम पे बुरी लगे, लेकिन वो बात सही है, आपने उसकी बात को ये सोचना है कि शायद पता नहीं, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जहां पे ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपलाइन के प्रति समर्पित रहना है, उसके साथ साथ डाउनलाइन के प्रति भी समर्पित रहना है। ठीक है, हमारी जो टीम में हमारे विश्वास पे जो लोग आए हैं,
ठीक है, तो उन लोगों के ड्रीम्स को पूरा करना ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी जवाबदेही है और हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने जो व्यक्ति हमें समर्पित हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, वो सिर्फ एक फेथ पे आया है, तो उसको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपना समर्पण पूरा करना है, क्योंकि सरेंडर 100% होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कोई वाइफ हस्बैंड से कहे कि जी मैं आपके प्रति 100% तो नहीं, लेकिन 99% ईमानदार हूँ, समर्पित हूँ और 1% नहीं है, तो वो जो 99% है ना, वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो या तो 100 समर्पण होता है तो 100% होता है। ऐसा नहीं कि आप अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, माता को, जिसको भी आप मानते हैं कि ये मेरा विश्वास है 50%, हम 100% मान रहे हैं। तो और जब तक 100% हम समर्पित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी टीम के लिए भी आपने समर्पित रहना है, ठीक है। तो जब आप अपनी टीम के लिए भी समर्पित रहेंगे तो आपका समर्पण दिख जाएगा, खाली मुंह से बोलने का समर्पण नहीं होता। अभी अगर डॉक्टर मेहकार सिंह जी की बात करें, ये तो मैं समझता हूँ पूरी टीम छोड़ दीजिए, ये तो पूरी वेस्टिज फैमिली के लिए छोड़ दीजिए, ये तो मतलब कि हर व्यक्ति के प्रति समर्पित है, ठीक है। तो और पूरी हेल्प करते हैं, तो इसी तरीके से आपने भी अपनी तरफ से समर्पण रखना है अपनी टीम के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि बच्चा होता है तो वो समझ में नहीं आता उसको, और हम सोचते हैं यार ये गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, वो बच्चा है ये माने चलिए आप, उसे अभी नहीं पता है, इस वजह से वो उस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन आपने उसे समझाना है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जब हम उसे हवा में उछालते हैं तो वो खुश होता है या रोता है, वो खुश होता है या रोता है? मैं चैट बॉक्स में आंसर चाहूंगा। जब एक छोटे से बच्चे को जब आप ऊपर हवा में उछालते हैं तो वो क्या होता है, खुश होता है या ये कहता रे, खुश होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए उस छोटे बच्चे की जगह अगर आपको उछाल दिया जाए, ये मान लीजिए हमारे जो जितने अनुपात में हमारा बच्चा हमसे छोटा होता है, उतने अनुपात में हमसे कोई बड़ी चीज यानी कि हमारा परमात्मा या मान लीजिए कोई भी कोई बड़ा व्यक्ति हमें उछाले, ठीक है, हम क्या होंगे, हम डरेंगे, ठीक है। तो हम डरेंगे का मतलब एक है कि हम समर्पित नहीं है, ठीक है। तो वो उसे पता है कि उसे संभालने वाला है, इसलिए वो खुश होता है, इंजॉय करता है। तो सेम इसी तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी हमने खुश रहना है, क्योंकि हमने उसको सरेंडर किया है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा, और ये चप्पू वाला इन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम जिसके लिए समर्पित होते हैं, जब हम जिसके लिए समर्पित होते हैं, हम अपना बर्डन खत्म कर देते हैं, जिम्मेदारी अगले व्यक्ति की या उस ईश्वर की या उस सिस्टम की हो जाती है हमें पार लगानी, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है। बाकी इसके बारे में कोई और व्यक्ति अपने कुछ विचार रखना चाहे, कोई एक्सप्लेन करना चाहे पावर ऑफ सबमिशन के बारे में, जी दिशा अरोड़ा जी, जी मैम, जी गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग जी, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पहले तो। और सर जैसे कि आपने भी बहुत अच्छा बताया और अभी राशिद सर ने भी बहुत बढ़िया बताया कि समर्पण के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीजों का, जैसे कि गॉड के प्रति, ग्रोथ टीम के प्रति, कंपनी के प्रति। तो मैं भी कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे वेस्टिज के अंदर एक जो समर्पण और बहुत जरूरी होता है वो होता है 100% प्रोडक्ट यूज, है ना। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट को यूज करने का समर्पण यानी कि ये समर्पित नहीं होते उसके लिए, तो भी हम एक तरह से देखा जाए तो हम पीछे ही होते हैं। और ये हमें जरूर समर्पण करना चाहिए, कई लोग इसको नहीं कर पाते, और जबकि इसको 100% करना चाहिए। और ये समर्पण भी बहुत जरूरी है 100% प्रोडक्ट यूज का भी। और एक समर्पण जो बहुत ही यहाँ पे माना जाता है अपने वेस्टिज के अंदर, जो कि होता है अपने ड्रीम्स के प्रति, जी। क्योंकि कई लोग क्या होता है अपने ड्रीम्स तो देखते हैं लेकिन उसको सपने को पूरा करने से डरते हैं, है ना, और हमेशा वो नेगेटिव हो जाते हैं। उन्हें नेगेटिव नहीं होना और अपने ड्रीम्स के प्रति पूरा समर्पण दे दें, क्योंकि जब हम अपने बारे में कुछ भी अच्छा सोचते हैं और
जो है अपने सपने के बारे में बहुत बड़ा और ऊंचा सोचते हैं तो वो 100% पूरा होता है। जो कि क्या होता है कि जब हम अपने विचार तो ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि शायद ये मेरा सपना पूरा होगा या नहीं। तो या नहीं वाला कारण नहीं होना, सिर्फ अपने ड्रीम के प्रति हमेशा जो है समर्पण रखें और 100% होंगे क्योंकि हमारा समर्पण पूरा होगा। तो एक ये है। और सर एक मेरे माइंड में जो चीज है वो मैंने नोट बनाए हुए, कुछ अपनी गलतियों के प्रति भी हमें समर्पण करना चाहिए जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बहुत सी गलतियां करते हैं और जो हमें पता नहीं लगता, यानी जाने और अनजाने के अंदर हम लोग गलतियां कर जाते हैं, है ना। और लेकिन हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है, तो उस गलतियों के प्रति भी हमें समर्पण अपना करना पड़ेगा कि वाकई ये गलती मेरे से हुई है, इसके लिए सॉरी मांगनी चाहिए, या फिर अपने आप से मांगिए, या अपने गॉड से मांगिए, या अपने ग्रेट अपलाइन से मांगिए, कुछ भी आप मतलब समर्पित होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए जो है अपनी गलतियों के प्रति हमें समर्पित पूरा होना पड़ेगा और हर गलती का एहसास अपने अंदर लेना होगा, तभी हम इस गलतियों को सुधार पाएंगे और पूर्ण पूर्ण समर्पण दे पाएंगे। तो सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूंगी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दिशा जी। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम जबरदस्त दिशा जी के लिए, जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि अपने ड्रीम्स के प्रति भी हमें समर्पित होना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है, जो एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो समर्पण है, हमारा जो सबमिशन है, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। चलिए इसके साथ में अब हम बात करते हैं किसी एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो आज की डेट में हमारे हॉट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए वो हॉट प्रोडक्ट में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या किस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी व्यक्ति बताना चाहेगा। अच्छा, जिन्होंने एक बार शेयर कर दिया है अपना एक्सपीरियंस उनको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा दूसरे लोग जी। चलिए कोई व्यक्ति शेयर करना चाहेगा जी। यहाँ पे हमारे साथ में बहुत ही ग्रेट लीडर है कमलकांत जी। जी कमलकांत जी, आप अगर फ्री हैं तो आप अपना आपको अनम्यूट करिए। चलिए एनर्जी बूस्टर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी बूस्टर एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एनर्जी बूस्टर के बारे में कि उसके बारे में सिंपल तरीके से शॉर्ट में कैसे आप समझाएं उसके बारे में बात करते हैं जी। जैन साहब अगर आप फ्री हैं तो आप, कोई भी व्यक्ति हैंड रेज कर सकता है, कोई भी बता सकता है जी। एनर्जी बूस्टर हैंड रेज कर सकते हैं चलिए। तो कोई नहीं है तो मैं ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर, है ना। चलिए मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। अब जब भी आप किसी को इसके बारे में बताएं तो उसको सीधे सीधे बताएं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये तीनों चीजों को खत्म कर देता है, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस। चलिए वो कहते हैं कि अगर दिमाग से आदमी हार जाता है तो वो हार है, और अगर किसी ने दिमाग से हार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। चलिए, और जो हेल्दी माइंड होता है वही हमारे पावरफुल एक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अभी हम बात करते हैं, इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलने की कोशिश करूंगा। जब भी हम बात करें तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई देखो आज की डेट में हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें 70-80% लोग किस चीज, क्या प्रॉब्लम है उनको, उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, ठीक है, इस तरह की ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है, क्योंकि
हमारा जो बॉडी है इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं सीरम कार्टोसोल लेवल। ये एक सीरम कार्टोसोल एक हार्मोन होता है, ठीक है। इसके इम्बैलेंस की वजह से ये तीन प्रॉब्लम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये हमें महसूस होते हैं। अभी जो सीरम कार्टोसोल है ये हमारी बॉडी के लिए एक असेंशियल हार्मोन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग और टिश्यू को, ऑर्गेन को प्रभावित करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, रेगुलेटिंग योर बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स, यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रेस के ऊपर कैसा रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। आपकी जो स्लीप साइकिल है वो ठीक है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जब जब आपका ये कार्टोसोल लेवल बढ़ता है, सीरम कार्टोसोल का जब जब लेवल बढ़ता है, तब तब आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये तीनों चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये लंबे टाइम तक बढ़ती हैं तो हमें जो है उसके साथ साथ थकान या नींद वाली जो प्रॉब्लम बताई, या एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाना, ये सारी चीजें हमें होती हैं, ठीक है। तो और जब स्ट्रेस, फटीग या टायर्डनेस रहेगा, यानी कि सीरम कार्टोसोल के बढ़ने से हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ी, और इन तीनों चीजों के बढ़ने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जो कि मेल के अंदर एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो उसकी एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, वो टेस्टोस्टेरोन उसका कम हो जाता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के कम होने से, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने से आदमी की जो पावर है, जो उसका स्टेमिना है, वो बहुत कम हो जाता है और उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। देखो मैं दो आदमी आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ये लो टेस्टोस्टेरोन वाला है, एक ये ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन का बंदा है, ठीक है। अच्छा, ये जब लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज होती है, यानी कि भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, इसका खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टेंट फटीग, लगातार वो व्यक्ति टूटा टूटा सा रहता है, डिप्रेस सा रहता है, थकान रहती है, ठीक है। यानी कि वो व्यक्ति अगर पॉजिटिव आदमी है, लेकिन अगर सीरम कार्टोसोल उसका बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो उसकी पॉजिटिविटी के बावजूद वो व्यक्ति की पॉजिटिविटी दिख नहीं पाएगी उसकी बॉडी में, जी। वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेस रहता है, ठीक है, उसके पेट पे फैट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ईडी एंड लो लिबिडो, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो कम हो जाती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टोपोरोसिस, उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। और अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमल है, यानी कि पूरी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर फुल टेस्टोस्टेरोन है, तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल शार्प काम करेगा, यानी कि आप एक ही टाइम पे 10 काम को भी संभाल लेंगे, थकान नहीं होगी, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकता है। इंक्रीज मसल मास, यानी कि आपके जो मसल मास हैं वो भी और ज्यादा बेहतर होते हैं, यानी कि मस्कुलरिटी, ये मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर होता है, हार्ट हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन एंड हेल्दी लिबिडो, यानी कि उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसकी उसके अंदर एक पावर आपको महसूस होगी, उसकी बोन्स मजबूत होंगी, और उसकी जो चाल होगी उसके अंदर एक हाई एनर्जी लेवल आपको महसूस होगा। तो ये लो टेस्टोस्टेरोन और हाई टेस्टोस्टेरोन का ये यहाँ पे है। और अब उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे पहले सीरम कार्टोसोल बढ़ने से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बढ़े, और इनके बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा कम हुआ, और टेस्टोस्टेरोन के कम होने से लॉस ऑफ लिबिडो। व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो इज ए ओवरऑल सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ये इसको डिसाइड करता है। उसके साथ साथ जो फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, हर तरीके से हर क्षेत्र में उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। और उसके साथ साथ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन रिड्यूस लिबिडो। जो लिबिडो है, मैंने अभी आपको बताया, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को लो कर देता है, तो जिसकी वजह से हमारी ये मान लीजिए कि हम एक तरह से पावरलेस लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे के सारी जो चीजें हैं, जब टेस्ट सीरम कार्टोसोल का लेवल कम होगा तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को होंगी।
जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, और जिससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, लो स्टेमिना, लो लिबिडो, की फैक्टर ऑफ स्ट्रेस एंड अंडर परफॉर्मेंस। चलिए, स्ट्रेस एंड अंडर परफॉर्मेंस, अगर ये दो चीजें अगर आपके साथ में है, यानी कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कहीं पे भी, और आप स्ट्रेस में हैं, तो आप एक पावरलेस लाइफ जीते हैं। यानी कि हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है आप बहुत अच्छे पद पे हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो लाइफ होगी वो एक पावरलेस लाइफ होगी। ठीक है, अब अगर उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पावर ऐड करनी है, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है गजब का प्रोडक्ट, हमारा एनर्जी बूस्टर। अब एनर्जी बूस्टर के अंदर क्या है, हमारा ये एक पेटेंट फार्मूला है जिसके अंदर अश्वगंधा 400 ग्राम है, 400 मिलीग्राम है, जो कि मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। अर्जुन, हर्टिकी, विभीतिकी, सर्पगंधा, ये चार पांच चीजें हमारे पास है। ठीक है, जिसके अंदर अश्वगंधा के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर 8% विदेनलाइड के साथ में है। विदेनलाइड, व्हाट इज विदेनलाइड, क्या होता है विदेनलाइड, क्या है अश्वगंधा का एक केमिकल कंपाउंड है जिसकी परसेंटेज होती है। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, द रूट एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा आर कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ हेल्थ बूस्टिंग कंपाउंड। ठीक है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो मेड फ्रॉम द प्लांट सूट द लीव और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि उसके तने और उसके पत्ते से लिया गया है या उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से। स्टडीज हैव शोन दैट लीव्स एंड रूट्स ऑफ विदेनलाइड सिम्फोनिया हैव डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ विदेनलाइड, यानी कि इसकी जो पत्ते होते हैं, उसकी जो जड़े होती हैं, उसके अंदर विदेनलाइड जो इसका केमिकल कंपाउंड है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, वाई इज एन यूनिक फार्मुलेशन, ये यूनिक फार्मुलेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 8% विदेनलाइड जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन फॉर्म है अश्वगंधा की, जो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक, विदेनलाइड आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अश्वगंधा दैट इंप्रूव द पोटेंशी ऑफ अश्वगंधा, यानी कि जो विदेनलाइड है ये एक एक्टिव कंपाउंड है जो अश्वगंधा की जो पोटेंसी है, जो उसकी पावर है, उसको बेहतर बनाता है। अश्वगंधा works best when it has high concentration of विदेनलाइड, यानी कि जब उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। प्राइम बेनिफिट ऑफ अश्वगंधा बूस्ट इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अश्वगंधा इज नोन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज WBC इन द बॉडी, यानी कि जिनके व्हाइट ब्लड सेल बॉडी के कम है ये उसको भी बढ़ाएगा, देयर बाय बूस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। नंबर दो, स्ट्रेस, स्ट्रेस के ऊपर कैसे काम करेगा, अश्वगंधा हेल्प्स टू रिड्यूस सीरम कॉर्टिसोल, क्योंकि अश्वगंधा क्या करेगा, सीरम कॉर्टिसोल का जो लेवल है जिसके बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा था, तो ये उसके लेवल को कम करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। विच इज द मेन स्ट्रेस हार्मोन इन द बॉडी, thereby helping to relieve stress. Yes, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, जिसकी वजह से हमारा जो ये स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाने वाला हार्मोन है। एंटी फटीग, यानी थकान विरोधी, अश्वगंधा हेल्प टू कम्बैट फटीग एंड इन बूस्टिंग एनर्जी लेवल, ये आपकी थकान को खत्म करेगा और आपके एनर्जी लेवल को हाई करेगा। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, अश्वगंधा इज नॉन टू हैव antioxidant properties which help protect against daily wear and tear and help keep cell healthy over a period of time. हमारी बॉडी के अंदर जो डेली के डेली बहुत सारी टूट फूट होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ये उन सब को भी खत्म करेगा। कंजुगेटिव फंक्शन ब्रेन हेल्थ, अश्वगंधा इज नोन टू हेल्प एनहांस कंजुगेटिव फंक्शन, यानी कि ये आपको एक दीर्घ आयु देने में सहायक प्रोडक्ट है अश्वगंधा, जिसकी बेस्ट फॉर्म हमने डाली है। और ये जो बेस्ट फॉर्म हमने डाली है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये मार्केट के अंदर कोई सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं है जिसके अंदर ये हो। चलिए, मार्केट के अगर अदर ब्रांड से कंपेयर करें तो अश्वगंधा इसके अंदर मार्केट के अंदर 200 से 250 ग्राम होती है, हमारे वाले में 400 ग्राम है। मार्केट का कोई भी कैप्सूल अश्वगंधा का 2 से 4 कैप्सूल प्रतिदिन लेने होते हैं, हमारा केवल 1 कैप्सूल लेना होता है। और विद इन लाइट 2 से 4 कैप्सूल लेने के बावजूद 2 से 4% हमारी बॉडी में जाता है, और यहाँ पर जो विद इन लाइट जो मेन काम करेगा ये 8% हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है।
बाकी अर्जुन है, अर्जुन हमारी बॉडी के, अर्जुन जो जड़ी बूटी है हमारी बॉडी के हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है, और हमारा जो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद में हर्ट बोल देते हैं जिसको, ये भी हमारे हार्ट को और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगी। फिर उसके बाद विभूति की है, ये विभूति की क्या करेगी, फियरलेस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के डर को भगाएगी। इस सपोर्ट लॉन्गिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन फॉर कंप्लीट वेलनेस, आपकी पूरी वेलनेस के लिए काम करेगी, ठीक है। और दोस्तों ये एक सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे इसके अंदर ये पार्ट पड़ा हुआ है सर्पगंधा। ये 2% योहिम बीन के साथ में है। सर्पगंधा क्या है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, जितने भी यानी कि MD, जितने भी माइंड वाले, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेडिसिन है, उसके अंदर सर्पगंधा का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो एलोपैथिक फॉर्म में होता है और ये हमारे पास आयुर्वेदिक फॉर्म में है जी। तो और सर्पगंधा का मेन काम क्या है, सर्पगंधा इज ए हर्बल सप्लीमेंट, इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन वेस्ट अफ्रीकन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू इम्प्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस, यानी कि वहां पर ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका जो वेस्ट अफ्रीकन में इसको एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में उनके इतिहास में बहुत लंबे टाइम से लिया जाता है। सर्पगंधा ब्लॉक्स अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये हमारे जो अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। अब ये अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो इरेक्शंस होते हैं यानी हमारी जो एक तरह से भावनाएं होती हैं, ये उनको कम करने का काम करते हैं, तो ये उनको ब्लॉक कर देता है जी। सर्पगंधा इज एन एक्सीलेंट नोट्रोफिक एजेंट एंड हेंस टू इम्प्रूव एंड्योरेंस एंड एनर्जी लेवल, ये हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को और एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा। नोट्रोफिक एजेंट बूस्ट ब्रेन परफॉर्मेंस, यानी कि जो ये नोट्रोफिक एजेंट हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया है, ये हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये उनको बढ़ाता है। सर्पगंधा आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, और दोस्तों जिन लोगों का ब्लड प्रेशर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, ये उनके लिए बहुत ही, बस ये समझिए संजीवनी बूटी का काम करता है, ठीक है। और ये क्लिनिकली प्रूवन फार्मूला है, पेटेंटेड फार्मूला है, और दोस्तों वेस्टीज के पास है। इसके अलावा आप इंडिया में, दुनिया में कोई दूसरी कंपनी इसको नहीं भेज सकती। बाकी इसके कुछ टेस्ट हुए हैं और वो टेस्ट कुछ इस तरीके से हैं, अगर मान लीजिए इसको देखा गया, जब लोगों को दिया गया, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस 21, 24 और 28% 1 महीने के अंदर कम किया, यानी कि 4 से 6 महीने अगर कोई भी व्यक्ति इसको लेता है तो उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी जी। और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का जो जो कार्टोसोल जो लेवल है वो 9% कम हुआ है, और 16% इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ा है जी दोस्तों। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये टोटल जो सेटिस्फेक्शन है, तो उसके ऊपर भी इसमें हर एक परफॉर्मेंस जो नीचे लिखी हुई है उसके अंदर इसमें बढ़ोतरी मिली है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये सारी की सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं। ग्रास सर्टिफाइड है, यानी जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ, क्लिनिकली प्रूवन है, पेटेंट फार्मूला है, ठीक है। सर्पगंधा इसमें 2% योहिम बीन के साथ में है, 8% बिदनलाइड है, नॉन हैबिट फार्मूला है, यानी कि इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेने के बाद अगर छोड़ेंगे तो इसकी हुड़क नहीं उड़ेगी, यानी कि हैबिट नहीं लगेगी। वेजिटेरियन कैप्सूल है, और 400 मिलीग्राम अश्वगंधा का सिंगल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, और खाली एक कैप्सूल एक दिन में लेना है जी दोस्तों। इसका MRP 1050 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 895 है, और 29.83 PV है, और 30 वेजिटेरियन कैप्सूल, यानी कि एक व्यक्ति के घर में अगर आपने इस डब्बे को लगा दिया तो यानी कि दोस्तों ये लगभग आपके 30 PV, यानी कि 1 PV डेली का आदमी आपने तैयार कर दिया, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पहली वाली जो टेबल है इसमें वेस्टीज एनर्जी बूस्टर के अंदर ये चीजें यहाँ पे है, और ये केवल एक कैप्सूल लेना है। मार्केट के बहुत सारे ब्रांड हैं, लीडिंग ब्रांड हैं, उनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे इन ब्रांड्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, और कोई इनका जब है ही नहीं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। वो खाली अश्वगंधा की जो नेचुरल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत जो रिजल्ट दिखाएगी वो दिखा देगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, और इसको कोई भी व्यक्ति, आप किसी को भी इसको दे सकते हैं आप, ठीक
ठीक है फ्रेंड, उसके साथ साथ सिंपल तरीके से इसमें अगर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना पड़े और मात्र 2 से 4-5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना पड़े, तो आप सिंपल सिंपल तरीके से, मैं दोबारा से एक बार इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है एनर्जी बूस्टर, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर काम करता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके किस तरीके से बता सकते हैं कि देखिए भाई साहब, जब हम आज की डेट में तनाव, परेशानी, मार्केट का दबाव इतना सारा है कि जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ पा रहे हैं, और टेंशन की वजह से हमारी बॉडी का सीरम कार्टोसोल, जो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी खत्म हो जाती है। हम सामाजिक रूप से, हम फिजिकल रूप से, हम हर तरह की, किसी भी तरह की जो हमारा एक एनर्जी लेवल होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है या धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और दोबारा से हम उसे रीगेन नहीं कर पाते हैं। अब ये जो एनर्जी बूस्टर कैप्सूल है, ये इतना गजब का कैप्सूल है कि इसको अगर आप लेते हैं, ये वेजिटेरियन कैप्सूल है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, आयुर्वेदिक फॉर्म में है, अगर रात के टाइम आप दूध के साथ में इसको लेते हैं, तो इसका मेन काम क्या है, ये आपके जो सीरम कार्टोसोल लेवल जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी है, ये उसे कम करेगा, और उसको कम करते ही, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, जैसे सीरम कार्टोसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लेकिन जब सीरम कार्टोसोल को कम करेगा तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देगा, और आपकी बॉडी के अंदर फुल एनर्जी आप महसूस करोगे, और जितनी भी तरह की परफॉर्मेंस होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, फिजिकल हो, किसी तरह की हो, आपकी माइंड की शार्पनेस हो, हर चीज के ऊपर ये जबरदस्त काम करेगा। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन उन सब के ऊपर भी काम करेगा, और बड़ा ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो आपको इसकी 2 डब्बी दूं या 1 डब्बी लेके शुरू करोगे, आप खाली अपने लिए भी लोगे या अपने मम्मी पापा के लिए भी लोगे, क्योंकि जो लोग 70, 80, 90 की एज में है, उनको भी ये दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं समझता हूँ कि एक बार क्लैपिंग भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, तो अभी कोई और व्यक्ति इसके बारे में कुछ बताना चाहे या पूछना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, यानी कि अभी इसके बारे में किसी को कोई चीज पूछने नहीं, सबको सब कुछ पता है। जी जी रोहित जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरे को एक जानकारी लेनी थी इसके बारे में, जैसा कि हम लगभग मैंने 3-4 बंदों को ये दिया है, तो वो कहते हैं कि हमें पेट में कब्ज की शिकायत होती है, इससे ऐसा भी कुछ होता है इससे? मैं तो खुद भी लेता हूँ जी, मुझे तो हुई नहीं वैसे, लेकिन उनको ये बोल लो थोड़ा पानी ज्यादा पिए। ठीक है सर। और रात के टाइम जो दूध लें तो उसको चीनी मत डालें। चीनी मत डालें? हाँ, चीनी मत डालें। ठीक है, लेना हो तो गुड़ के साथ में ले लें, गुड़ के दूध के साथ में ले लें, गुड़ शक्कर। ठीक है, तो ये आप उनको बताइए, और दिन में पानी थोड़ा ज्यादा पिए। ठीक है सर। जी, और बताइए अभी अगली बार ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपने करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल से स्क्रीन, जैसे कि अभी ये मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो ये मोबाइल मान लीजिए आप सभी के पास है, मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना नहीं आता। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना नहीं आता? अच्छा, एक तो आपको ही नहीं आता, मंजू चौहान जी को नहीं आता। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीन शेयर करना भी आप सीखें, क्योंकि अगर मान लीजिए CNT के बारे में अगर हम आपको बताएं और आपको दिखानी पड़े तो वो फिर किस तरह से आप दिखाओगे, है ना? हाँ जी। चलिए, मैं तो इसको एक काम करता हूँ, अभी मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखेगा, और फिर इसमें हम एक टॉपिक ये भी रख देंगे कि भैया स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, है ना? हाँ जी। चलिए एक सेकंड जी।
चलिए फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे जब आप मोबाइल खोल रहे हैं तो मोबाइल के नीचे आपके बहुत सारे कुछ आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है मोर, देख पा रहे हैं सभी लोग? चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, देख रहे हैं? यस सर। तो मोर के बराबर में शेयर का ऑप्शन है, है जी? जी रोहित जी। जी सर। हाँ जी सर, है ना? हाँ जी। कोई पीपीटी वगैरह? अब एक काम करिए, चलिए मैं आपसे ही कराता हूँ, तो इस शेयर के ऑप्शन को ओके करिए। कर दिया सर। तो जैसे इसको ओके किया तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ जी। तो इसमें सबसे नीचे से ऊपर की तरफ तीसरे नंबर पे स्क्रीन का ऑप्शन है। हाँ जी, इसको दबा दीजिए। ओके सर, स्टार्ट नाउ। हाँ ओके सर, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने किया तो अब ये आपकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल पे आ गई। हमारे मोबाइल पे जितने भी लोग टीम के फिलहाल हैं सबके मोबाइल पे आ गई। अब मान लीजिए आपने उसको बताना है कुछ तो, और वो पीपीटी आपके पास व्हाट्सएप पे आई है। अभी आप कोई भी व्यक्ति, राशिद जी या डॉक्टर साहब या जो भी व्यक्ति अपलाइन में है या इनकी टीम में है, इनको कोई पीपीटी शेयर कर दीजिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर। वेस्टीज के प्लान की पीपीटी या कोई भी मेरे पास है सर, वो पीपीटी है। कहाँ पे? हाँ जी, किस जगह है वो पीपीटी? में भी है और खोलो खोलो खोलो, पावर पॉइंट में भी है और। हाँ तो खोलो पावर पॉइंट, खोलो पावर पॉइंट खोलो। जी, वेस्टीज के प्लान की खोल दो। यहाँ पर तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है आपके पास, बैक करो। यहाँ पे है? हाँ तो बैक करो इसे, वो आपके पास व्हाट्सएप पे पड़ी हुई होगी। व्हाट्सएप खोल लो। कोई कर दी किसी ने इनको शेयर? टेलीग्राम। हाँ कर दो टेलीग्राम। टेलीग्राम पे की थी राशिद सर ने। हाँ तो राशिद लिखो, राशिद जी लिखो ऊपर, राशिद जी लिखो। आ गया? ये है तो मैक ड्राइव, खोलो सर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब इसको स्क्रॉल करो। जी अच्छा, एक चीज और है, जब इस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्क्रीन पे तीन तीन चीज आ रही है, तो इसको आप मोड़ लीजिए मोबाइल को, जिससे कि एक जी एक पूरा पेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, इसको लैंडस्केप कर लीजिए। आ गया? इसे हटाओ जरा, ये ऊपर आ रहा है ना, इसको हटा दो, कट मार दो इसको साइड से, राइट साइड पे। सर ये हट नहीं रहा। नहीं हटेगा ना, यहाँ पे है तो, इसमें काटा लगा हुआ था ये। हाँ ये। हाँ जी, नहीं, काटा सर लगा पावर पॉइंट। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये कहाँ चले गए? हाँ ये। तो अब ये जो है इसको स्क्रीन को ऊपर चलाते चले जाओ और इसके बारे में बोलते चले जाओ। ओके सर, समझ गए? हाँ जी। तो आगे शेयर करनी स्क्रीन? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो तो अब ये बताओ, आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपने तैयारी कर रखी है या तैयारी करोगे अभी, जिसके बारे में आप बताओ? तैयारी करनी है सर। कौन से प्रोडक्ट के बारे में? सर के बारे में भी। हाँ, और अपना एनर्जी बूस्टर के बारे में बता सकता हूँ सर। नहीं नहीं वो तो बता तो सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ तैयारी किसकी करके लाओगे? अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, बस हटा दीजिए बता इसको, स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन जी। ये ओके। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ओके सर। पे आएगा ऑप्शन वहां पे, ना 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 जी। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखा ना, स्टॉप शेयर, स्टॉप स्क्रीन हो गई जी। आ गया भाई, इस तरीके से। हाँ जी। हाँ तो अभी सभी लोग, ओके सर, जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं एक्टिवली, तो जिस जिस प्रोडक्ट की आपने तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है मैं बोल देता हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारे पास CMD है, एनर्जी बूस्टर है, जैसा मैक ड्राइव दिखाया रोहित सैनी जी ने वो है,
सबलिंगुअल स्प्रे है, बाकी कॉस्मेटिक में जैसे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट या इस तरह से जो भी लेडीज हैं जो कुछ भी तैयार करना चाहे वो है, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्लेक्स हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 5-7 प्रोडक्ट में से जो भी प्रोडक्ट आपका मनपसंद प्रोडक्ट हो, आपने अभी शेयर स्क्रीन शेयर मैसेज बॉक्स में लिख के भेजना है कि आप किसकी तैयारी करोगे, किसके बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में प्रेजेंटेशन दोगे। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि अभी आप लिख के भेजिए। जी चलिए जी, ज्योति जी आप कुछ बताना चाह रही हैं? जी ज्योति मैम जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं यही कहना चाह रही थी कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं मतलब अच्छी तरह से तो बता दूंगी जब भी आप कहेंगे, बाकी उसके बारे में ही बताना चाह रही थी क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आजकल जैसे सीएमडी की सबको जरूरत है, ऐसे ही ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की भी सबको जरूरत है आज के टाइम की। हाँ हाँ, तो अभी मैं समझ तो जानना चाहेंगे जी सभी लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर पीवी बहुत बढ़िया है कि नहीं जी सर? क्यों ज्योति जी? और जब इसको लगाने के बाद पत्ता बहुत बढ़िया हो जाता है ना, तो वो चाहता है कि मैं हमेशा ऐसा रहूं। चलिए तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम रोहित सैनी जी के लिए भी, क्योंकि रोहित सैनी जी ने अपना जो है ना हैंड रेज करके उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने आज एक नई चीज सीखी। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। चलिए थैंक यू सर। अच्छा मैं अभी ज्योति जी आपको हैंड ओवर करने से पहले मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, कल हम अपनी टीम का चैंपियन डे करेंगे। जितने भी लोगों ने जो भी अचीवमेंट लिए हैं, किसी ने फास्ट 8% किया है, किसी ने डायरेक्टर किया है, किसी ने सिल्वर किया है, जितने भी लोगों ने किया है सभी को बोलने का मौका मिलेगा। जितने भी लोगों ने टूर क्वालिफाई किया है 2 लेग से 3 लेग से, या किसी ने फुल 6 की 6 लेग पिछले महीने निपटा दी, तो जितने भी लोगों ने किया है तो उन सब लोगों को मौका दिया जाएगा। और दोबारा से मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूं कि जो स्कीम पिछले महीने थी लोकल लग्जरी टूर की, वो स्कीम इस महीने एक्सटेंड कर दी गई है। और उसका सिंपल क्राइटेरिया क्या रखा है कि आपकी पर्सनल आईडी पे 120 पीवी होने चाहिए जो कि सिंगल इनवॉइस में हो। नंबर 2, 6 नई लेग से 100-100 पीवी आपके होने चाहिए। ये अगर आप कर देते हैं तो आपका इस महीने भी टूर क्वालिफाई हो जाए। तो कंपनी ने इतना कुछ हमारे लिए किया, तो मैं चाहूंगा एक बार वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, जो हर एक व्यक्ति के बारे में सोच, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया जी। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी शायद इस महीने से ये कंफर्म है वैसे, कि जो हम 5वें महीने जो हम कंसिस्टेंसी लेते हैं और उस कंसिस्टेंसी के अंदर हमें 2500 रुपए का प्रोडक्ट लेना होता है, तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट परचेज करता है तो वो 3000 रुपीज के सप्लीमेंट उस व्यक्ति को मिलेंगे। 3000 रुपीज के सप्लीमेंट वो ले सकता है, या 2500 रुपए का जनरल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वो ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए ज्योति जी वेलकम, और आप बताइए, आपके पास 7 मिनट है। 7 मिनट तो सर कम है, बट मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ। कोई नहीं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, 1-2 मिनट का हम और कर लेंगे। जी 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 जी, तो एक्चुअली क्या है ना, मैं बात अगर कोई स्क्रीन वगैरह शेयर करोगे तो और अच्छा होगा सर। मैं देख रही थी, अभी मेरी रेडी नहीं है, मैं अगली बार जब भी करूंगी ना आपको बकायदा अच्छी तरीके से रेडी करके जब करूंगी, अभी तो शॉर्ट में ऐसे ही बताए थे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा क्या था ना, हमारे को एक जेंट्स मिला और उसको ये समझ में आई कि ये अब हम लोग क्या सोचते ना, सिर्फ लेडीज को ही जरूरत है अच्छा देखना, वो सिर्फ वही चाहती है, लेकिन पिगमेंटेशन हो गई, फाइन लाइंस हो गई, ये सारी चीजें आजकल जेंट्स में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो हम बात कर रहे थे बैठ के लेडीज में और वो सुन रहा था, उसने खुद से क्वेरी की कि मैडम मेरे को भी ये काम करेगा, तो हमने कहा कि बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं बताना चाहिए। तो क्या है ना कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा टिपिकल है, उसकी वजह से अच्छी तरह से, क्योंकि खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा, स्ट्रेस लोगों की लाइफ में इतनी, तो वो फेस पे आ ही जाता है, नेचुरल है। अब मैंने रेशियो देखा है खुद वर्किंग करते करते कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं उनको फेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे फाइन लाइंस हो, या अनइवन स्किन भी बहुत लोगों को मिलती है। मतलब कि गालों का जो एरिया है वो ठीक है, साइड में बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक रहते हैं, या फिर अलग तरह के पैचेस रहते हैं, निशान रहते हैं,
और बहुत लोगों को तो सनबर्न टाइप का भी रहता है, माथे पे लाइन रहती है, तो बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, अन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रहती हैं। और फेस ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली ही बात होती है जो हमारी पर्सनैलिटी में दिखती है। सबसे पहले आप कभी भी किसी भी ह्यूमन को देखते हैं तो उसके फेस पे आपकी नजर जाती है, और वहीं पे ही आपको कुछ अच्छा ना दिखे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन डाउन हो जाता है, देखने वाले का भी और उसका भी। तो इस करके ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, जैसे कि इसका नाम ही ट्रीटमेंट है, ये पूरी तरह से ऑल ओवर ट्रीटमेंट है। ये क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है फेस की वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और इफेक्ट भी इस पर बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, तो उसको ये हर तरह से क्लियर करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट सुपर है, मैंने सारे इसके पढ़े थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में कॉस्मेटिक्स भरा पड़ा है, लेकिन आजकल लोग जो अवेयर हो चुके हैं, जिनको पता है, तो वो जान के देख के परख के ही चीजों को लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्लावर्स का इसमें एक्सट्रैक्ट है, और दो तीन फ्लावर तो ऐसे हैं जो यहाँ पे होते ही नहीं है, स्विट्जरलैंड के फ्लावर है, उनका जो अर्क है वो इसमें डाला जाता है। एक इसमें एसेंसिया डेकोरस फ्लावर वैक्स होता है, जो वैक्स वो वाला फ्लावर वैक्स क्या काम करता है, स्किन को टोनिंग करता है, मतलब एंटी एजिंग के लिए भी ये काम करता है, टोनिंग करता है, और जो ड्राइनेस एक तरह की स्किन पे आ जाती है उसमें ये स्मूथनेस लाता है, और अगर ज्यादा स्मूथनेस है, बहुत ज्यादा ऑयली वाली स्किन है, तो उसको नॉर्मल कर देता है। तो मैं ये बता दूं ये किन किन चीजों में काम करता है, ये एक तरह से मैं कहूँ जैसे CMD हर चीज में काम करता है, तो ये भी हर फेस की किसी भी प्रॉब्लम में काम करता है। एंटी एजिंग के लिए तो ये है ही है, क्योंकि आपकी स्किन को ये टाइटनिंग करता है, और जिस भी तरह के दाग धब्बे निशान, चाहे वो पिंपल्स के हैं, चाहे आपके काले काले अलग तरह के सन के हो जाते हैं, हर तरह के दागों को ये हल्का करता है। अगर किसी का कलर डार्क है तो उसको ये एक टोन तक लाइट करता है। पिगमेंटेशन में भी ये काम करता है, फाइन लाइन्स में ये काम करता है, अनइवन स्किन को इवन कर देता है। और एक बहुत लोगों का हम जो फेस देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि इनके चेहरे पे कोई आभा नहीं है, मतलब डल डल लगता है, तो ये उसको भी सही कर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर का, जो एक जैस्मिन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, वो भी क्या करता है कि वो फेस को स्मूथनेस देता है, फेस में चमक लाता है अपने आप ही नेचुरली। अगर हम इस जैस्मिन के फ्लावर को उसका रस निकाल के हम नेचुरल लगाएंगे तो उसी से ही हमें इतना फर्क लगता है। और इसमें तो 8 से 9 तरीके के फ्लावरों का एक्सट्रैक्ट है, और वो भी मतलब कहीं से कुछ लिया हुआ है, कहीं से कुछ लिया हुआ है। एक इंडिका स्टेम का आती है एक्सट्रैक्ट, मतलब इंडिका एक फ्लावर होता है, उसकी स्टेम का इसमें एक्सट्रैक्ट है। तो वो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जैसे कि एक लेयर के नीचे हमारे जिद्दी जो होते हैं, दाग कह लो, पिगमेंटेशन, वो जम जाते हैं, हम कितना भी उसको ऊपर से क्रीम वगैरह से छुपाने की कोशिश करें तो वो छुपते नहीं है, तो वो नेचुरली स्किन के एक लेयर अंदर जाके उसको धीरे 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 करके हटा देता है, रिमूव कर देता है, जिससे कि स्किन साफ हो जाती है। तो इसको अगर हम अच्छी तरह से लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहते हैं तो हमारे फेस की 80-90 प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, क्योंकि ये हमारा प्राइम रेंज में आती है। SPF 9 की सारी ही चीजें वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली इस पे वर्क किया है, रिजल्ट दिया है, इसका तो अल्टीमेट रिजल्ट है, इसके आगे मैं कहती हूँ कुछ भी है ही नहीं। जिस किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जेंट्स की स्किन ज्यादा टफ होती है, ज्यादा रफ होती है, तो उनको तो ये बहुत ज्यादा सूट करती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लेडीज की थोड़ी सी नॉर्मल होती है, उनकी स्किन टाइप में थोड़ा चेंज होता है, इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स भी अलग आते हैं। लेकिन ये अकेली ऐसी क्रीम है, ये दोनों को ही बराबर काम करती है, उनके लिए और लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग देने की जरूरत इसकी नहीं होती है। थोड़ा सा कभी हमें प्रॉब्लम इसमें शुरू शुरू में ये आती थी कि रेंज का रहता था इशू, लोगों को लगता था कि नहीं इतना महंगा हम क्यों लें, तो उसका भी एक ये आप कह सकते हैं कि वैसे इसकी MRP 2575 और 2200 रुपये में हमें बिल होकर आता है। लेकिन ये जो क्रीम हमने लिया है रिजल्ट, ये 2.5 महीना एवरेज चलती है, बाकी लगाने वालों को ऊपर भी होता है, 2.5 महीने से ऊपर भी चल जाती है। तो जब ये 2200 रुपये की क्रीम है और 2.5 महीने चलती है, तो मैं सोचती हूँ 800 रुपये 1 महीने की ये पड़ती है, तो 800 रुपये 1 महीने की क्रीम मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा है। हम ऐसे से लोगों से मिलते हैं जो लाखों रुपए अपने स्किन पे खर्च कर चुके हैं, डर्मा का अपना कोर्स कर चुके हैं, जब तक करते हैं तब तक ठीक होता है, और उनको इतने प्रिकॉशन होते हैं कि उनको धूप में भी निकलना, गैस के आगे नहीं खड़ा होना, तो इतने खर्च करने के बाद तो ये बहुत मिनिमम होते हैं। अगर आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसकी फीस अलग रहती है, उसके टेस्ट अलग रहते हैं, और फिर क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर पैसा कोई नहीं देखता, फिर तो 10,000 की भी आ रही है, 5,000 की आती है, तो लेते ही लेते हैं। जब आपको इतनी अल्टीमेट चीज मिल रही है और आपको रेगुलर मिल रही है, 2.5 से 3 महीने आपकी नेचुरली चल रही है, तो आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं।
इसको कैसे यूज करना है और क्या इसके साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। वैसे तो इसको सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि सुबह अब गर्मी आ रही है तो बाहर निकलना होता ही होता है। ये रिपेयर करती है हमारे स्किन को, इसीलिए इसको निकल के हमें धूप में नहीं निकलना। अगर आप घर में रह रहे हो सन के डायरेक्ट नहीं जा रहे हो तो आप इसको सुबह लगा सकते हो, लेकिन हम लोग जो है उसको रात को लगाने को ही प्रेफर करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से किसी भी नेचुरल फेस वॉश से अपना आप मुंह साफ करिए, उसको साफ करने के बाद टैप ड्राई करिए, मतलब रगड़ के मुंह को नहीं पहुंचना है, पानी सुखाने के बाद और उसको सर्कुलेशन में घुमा के, क्योंकि ये जेल है, लगा के अपना सो जाना है। सुबह आपको अपने फेस पे सनस्क्रीन जरूर यूज करना, बिना सनस्क्रीन का आपको नहीं निकलना है। क्या होता है कि रात को स्किन रिपेयर हुई होती है और उस रिपेयर स्किन को भी कवर करके रखना है, इसलिए एसपीएफ लगाना मस्ट है। एसपीएफ भी हम रिकमेंड करते हैं कि एसपीएफ 40 लगाया जाए, ताकि उसमें मैट है और उसमें स्वेटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा टेक्सचर अच्छा देता है। तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो फेस नेचुरल फेस वॉश से करना है, दूसरा एसपीएफ लगाना है, तीसरा इसको रात में ही यूज करना है, और चौथा ये है कि ये अपने हम फिंगर से लगा के यूज करते हैं, तो इसको ये कोशिश रहे कि जो क्रीम हम पर्सनल यूज कर रहे हैं उसको कोई दूसरा नहीं यूज करे, क्योंकि उनका हाथ का जो जम्स होते हैं, कह लीजिए फेस का अलग होता है और हर किसी का फेस का टाइप अलग होता है, तो वो मिक्सअप नहीं हो, मिक्सअप होता है तो एक दूसरे की इम्प्योरिटीज की क्वालिटीज भी उसमें मिक्स हो जाती है। तो इसको यूज करके आप अपने अच्छी तरह से फेस को अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रिजल्ट इसके हमें मिले हैं, मिल रहे हैं, इवन हमारा ऑर्डर लगता ही रहता है, बीच में तो शॉर्ट भी हो गई थी, इंडिया में शॉर्ट भी कर दी थी आपने। जी जी जी, बड़े स्पेशल मंगाई थी हम लोगों ने। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत मस्त है, अगर आप उसको देख लेंगे सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, और जब चेहरे की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो अपने आप ही लोग इसको लेते हैं, फिर अपने आप ही एक से दूसरे को शेयर भी करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही बहुत है आजकल। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हमारा आपसे एक अनुरोध है। जी सर। ये आप जो है ना, इसकी पीपीटी बना करके, पीपीटी के हिसाब से अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, है ना, और जो भी इसके लाभ हैं मेन वो सारे के सारे एक लाइन में लिखे हुए हों तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, वो तो मैंने वो सोच लिया था, पर आज अर्जेंट में मैंने कहा एक चीज ये है, आराम से तसल्ली से तैयार करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 70 पॉइंट है सर अकेली क्रीम में। कोई बात नहीं, तो अभी कल तो सेलिब्रेशन करेंगे, परसों को शुरू से ही टाइम आपको ही दे देंगे, या जब भी आपके पास समय होगा। हाँ, समय के मैं आपको सर पहले से बता दूंगी कि आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगी, तो आप देखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो सुंदर दिखाना चाहते हैं, एक बार हैंड रेज कर लेंगे। वैसे जी बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, जैसे आप भी एक साल से तो हम मेरे को मेरी टीम को देख ही रहे हैं, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखता ही होगा, क्योंकि हम ना खुद सीखते हैं और अप्लाई भी करते हैं। क्योंकि जब आप परफेक्ट होंगे तो ही आपसे सामने वाला इम्प्रेस होता है, या कह लो बातों को समझेगा। जब हम खुद ही ऐसे घूम रहे हैं तो कहेंगे ये खुद तो ऐसे घूम रहे हैं, हमें बताने आ गए, वो चीजें भी बहुत इफेक्ट करती है मार्केट में। तो आपको कि हम सब करते हैं और इफेक्ट भी बहुत है हम सबके पे। नहीं, मैंने देखा जी, मीनाक्षी जी को देखा मैंने, और बहुत सारे लोगों ने देखा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो जो अगर आपके पास कुछ इसके ऐसे टेस्टिमोनी भी होंगे ना, जिनके आपने पहले फेस और बाद के फेस, जैसे वो मोटे पतले वाले करते हैं ना, पहले मोटा था, पहले पतला था, मोटा है, तो वो भी अगर कुछ आप उसके फोटो वोटो कलेक्ट करके आराम से तसल्ली से एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसको हम अभी इसको मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि अगर किसी को कोई भी जानकारी दोबारा से लेनी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि कोई भी नया व्यक्ति जिसने आज पहली बार, दूसरी बार या अभी शुरू में ज्वाइन किया है, तो एक बार वो हैंड रेज कर सकते हैं और आज के एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में है जी कमलकांत जी। कमलकांत जी, डॉक्टर साहब आप शायद पहली दूसरी बार ही हैं, तो आज का जो आपका एक्सपीरियंस है इस मीटिंग का, वो आपकी क्या फीलिंग है इसके प्रति? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। जी, सेमिनार से कम तो नहीं है ना हमारा प्रोग्राम? नहीं नहीं सर, कम नहीं है, ज्यादा ही है। बस, तो बस इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने इनवाइट करना है, ठीक है जी सर। पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी आपकी टीम है, एमपी में, कहीं पे भी, सब लोगों को आपने इसमें इनवाइट करना है। ओके जी,
ओके सर जी, और हर एक व्यक्ति को इस मीटिंग का, इस परिवार का हिस्सा बनना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, हैंड रेज ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि देखो जो आदमी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा ना वही ज्यादा सीखेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो सिखाने से पहले मैं ज्यादा सीख भी रहा हूँ। ओके जी, जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो और कोई व्यक्ति जिसने अभी जल्दी ही कुछ टाइम से ज्वाइन किया है और इसके बारे में कुछ भी शेयर करना चाहे, अभी हमारे पास एक मिनट है। जी मोनिका गोयल जी, जी कुरुक्षेत्र से हैं मैम जी। मोनिका जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी इस मीटिंग के बारे में? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मीटिंग्स जो टाइम टू टाइम होती रहती हैं ये हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशनल होती हैं, और जैसे आप समझाते हो सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब क्रक्स यही है कि बहुत मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल होती हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। बस अब मैं चाहूंगा कि आप हमारा इसका जो है ना, वैसे तो पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन अब हिस्सेदारी इसमें आप भी, जिससे आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, हाँ जी सर, जरूर। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो अभी हमारा समय हो गया है और कल हम दोबारा मिलेंगे 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। मैं मार्केटिंग प्लान करूंगा जिसमें आप अपने नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम कमांडो ट्रेनिंग करेंगे। और कल हमारा पार्ट रहेगा चैंपियंस डे, यानी कि जो हमारा चैंपियन डे 2 तारीख में होता है वो हम कल करेंगे। और जितने भी लोगों ने जो भी अचीवमेंट लिए हैं लास्ट मंथ, चाहे वो फास्ट 8 हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायरेक्टर हो, कोई भी अचीवमेंट लिया है, तो सभी लोग सभी अचीवमेंट्स को हम नंबर वाइज सेलिब्रेट करेंगे। और आप सभी ने कुछ भी अपने बारे में, जो भी आपने संघर्ष किया उसके बारे में जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहे, 1 से 2 मिनट 3 मिनट की आपकी स्पीच होनी चाहिए। और जो आपके अपलाइन है या आपके डाउनलाइन है, वो आपके अपलाइन की जिम्मेदारी है या आपके टीम में अगर वो व्यक्ति है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तैयार करें कि आपने ऐसे से बोलना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।